नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे SLS पाउडर। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, यह SLS पाउडर जो हम बनाएंगे, यह बहुत ज़्यादा फोम भी बनाएगा झाग, और उसके साथ साथ यह बहुत ज़्यादा सफाई भी करेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके का SLS पाउडर आप कैसे बना सकते हैं, वीडियो को देखिएगा। इसके लिए हमें रो मटेरियल चाहिए, एसिड स्लरी 100 ग्राम, SLS पाउडर 100 ग्राम, और हम इसमें कास्टिक सोडा भी ऐड करेंगे, वो आपको अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, हमने वेट कर लिया है एसिड स्लरी और SLS पाउडर का। यह देखिए बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर होता है और वजन में यह बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो अब हम इन दोनों को पहले मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से, यह वाकई में बहुत बढ़िया क्वालिटी का SLS पाउडर बनेगा, और आप इसका यूज एक तरह से और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने अगर डिटर्जेंट पाउडर बनाया, उसका थोड़ा क्वालिटी लो हो गया, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपने 100 केजी डिटर्जेंट पाउडर बना लिया, और उसके बाद आप उसे अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि शिकायत आ रहा है कि उसमें झाग नहीं बन रहा है, सफाई नहीं कर रहा है, तो उस समय आप इस SLS पाउडर का उसमें यूज कर सकते हैं। और इसे जब आप उसे यूज करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग भी बनेगा और बहुत ज़्यादा सफाई भी आ जाएगा। और भी हम कई प्रोडक्ट में इस पाउडर का यूज करेंगे, आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। यह आपको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट मिला लेना है, तो आपका इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको लेना है कास्टिक सोडा 30 ग्राम। और इसमें वाटर भी आपको लेना है 30 ग्राम। कास्टिक सोडा का जब भी आप यूज करें, हाथों में ग्लव्स से मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। अब आपको इसे अच्छी तरह से 10 मिनट मिला लेना है, तो यह बहुत बढ़िया लाई बन जाएगा कास्टिक सोडा का। अब आपको कास्टिक सोडा के लाई को इस पेस्ट में मिला देना है, जो आपने एसिड स्लरी और सोडा एस को मिलाकर बनाया है। देखिए, यह मिलाते ही यह पाउडर फॉर्म में आने लगेगा।
आपको इसे अच्छी तरह से 10 मिनट मिलाना है तो ये एकदम पाउडर बन जाएगा, लेकिन अभी यह थोड़ा गीला रहेगा। इसे हम धूप में एक दिन के लिए सुखा लेंगे और उसके बाद इसका यूज हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में करेंगे, तो आपको आने वाले वीडियो में दिखाई देगा कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका यूज डिटर्जेंट पाउडर में यूज करेंगे SLS पाउडर के जगह पर। इससे यह हमारा फायदा होगा कि मान लीजिए यह बहुत ज़्यादा फोम भी बनाएगा झाग और बहुत ज़्यादा यह क्लीनिंग भी करेगा, समझ में आ गया। उसके बाद हम मान लीजिए डिशवाश पाउडर में यूज कर सकते हैं और फ्लोर क्लीनर पाउडर में भी यूज कर सकते हैं, या और हम लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर डिशवाश लिक्विड बनाना है उसमें भी यूज कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनर लिक्विड बनाना है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट बनाना है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो यह सब आपको देखने को मिलेगा आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए देखने को वो भी आप कमेंट में बताइएगा। यह देखिए कितना बढ़िया पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी यह थोड़ा गीला है, इसे हम एक दिन के लिए सुखा लेंगे धूप में तो बहुत बढ़िया सूख कर तैयार हो जाएगा। तो आपको इस तरह का अगर वीडियो देखने में बढ़िया लगता है और आपको अगर बहुत ज़्यादा इससे जानकारी होता है, नॉलेज होता है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस तरह का वीडियो भी अपलोड करूँगा। समझ में आ गया। यह सब वीडियो एक अलग वीडियो है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, समझ में आ गया। तो आपको अगर इससे लाभ हो कुछ भी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।